हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं UPPCS प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट 2012 का एनालिसिस, मतलब इसमें इसे सॉल्व करते हैं। आपको बता दें 2012 से लेकर 2018 तक हम सॉल्व करेंगे। ये पहला है, दूसरे लेक्चर में दूसरा करेंगे 13 का, अगले में 14, इसी तरह आगे चलते चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसे। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन है सी 9%। ठीक, यहाँ कुछ बातें याद रखने योग्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में और इसके अध्यक्ष होते पीएम। और पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1951 में। आपको बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते पीएम और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रथम भारतीय ग्रैंड प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सेबेस्टियन विट्टल। अगला तीसरा बात करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल की 2011-12 क्रिकेट श्रृंखला में इकलौती भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया है? तो यह विराट कोहली, बी ऑप्शन सही है इसमें। चौथा देख लेते हैं, निम्नलिखित में पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ वॉयस शीर्षक से लिखी है? तो इसकी बात इसमें है विनोद मेहता। अगला पांचवा देखते हैं, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो इसमें है विद्या बालन, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं छठवा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, प्रजा अर्जुन पुरस्कार 2011 के संबंधित खेल प्राप्तकर्ता जी है प्रजा श्रीधरन है, जो ये एथलीट्स सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री जो हैं ये हैं फुटबॉल से संबंधित, राकेश कुमार हैं ये हैं कबड्डी से संबंधित, विधावल खाड़े हैं तैराकी से संबंधित। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं? तो इसमें है बी 35, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सी ऑप्शन सही है, जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद है जो ये महाराष्ट्र में, कालीबंगा है जो ये राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक, सी ऑप्शन सही है। अगला 9वां देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 9वें में बी ऑप्शन सही है, कुंभा जो है ये वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम इनके हैं, कुंभा काबुल है, परोशनी रावी
सदानीरा, गंडक, सतुदी, सतलज, ये पुराने नाम है, ये आधुनिक वर्तमान नाम है इसके नदियों के, ठीक है, जिसमें बी ऑप्शन सही है। 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो 10 का है ए ऑप्शन सही है, बौद्ध गया। 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 11 ऑप्शन है जो डी, केजी सुब्रमण्यम। 11 अगस्त डी है। 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित हैं? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो 12वे का है सी, इसमें तुंडी मुसीरी। अगली बात करते हैं 13, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो 13 में ये कर्पूर मंजरी नहीं है सुमिलित। मालवीय निमित्रम मित्र कालिदास ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखी है, सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखी है, और ये कर्पूर मंजरी है ये लिखी है राजशेखर ने, ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन है। अगली बात करते हैं, पुंड वर्धन भुक्ति अवस्थित थी? 14 का है ए, उत्तर बंगाल। 15 देखते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो 15 का है ए, कुलोतुंग पहला। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो 16 में सी ऑप्शन सही है, नन्ने टिक्कन, 3 और 4 सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं 17 देखते हैं, किसको सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? सत्रह में डी है, अलाउद्दीन मसूद शाह। 18 देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसमें सी ऑप्शन सही है, पुष्प दंत। 19 है, अशोक का समकालीन तुरमाय कहाँ का राजा था? 19वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। 19 का है ए ऑप्शन मिस्र। 19 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो 20 का है ए अकबर, ठीक। 21 करते हैं, 21 देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो 21 का डी, ताराबाई। अगली बात करते हैं 22 वा क्वेश्चन देखते हैं, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अकबर द्वितीय ने। 23वां, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? 23 का है ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ए ऑप्शन सही है। 24वां देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 24 का है बी, 14 और 18। 25वां, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है इसमें, ठीक है। इसमें 25वें में सी सही है, ठीक है। ये समाचार पत्र है और भाषा है, भारत मित्र था जो हिंदी का था, राष्ट्रमत जो था ये मराठी में लिखा, प्रजामित्र था ये गुजराती में था, नायक जो बंगाली में था,
ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही है। अगले 26 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, तो 26 का है बी ऑप्शन सही है। 2 और 3 अब्दुल हसन आकारिया। अगली 27 बात देख लेते हैं, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो इसमें ए ऑप्शन सही है अफगानिस्तान। अट्ठाईसवां देखते हैं, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो 28 में डी ऑप्शन विट्ठल भाई पटेल। अगली बात करते हैं, 29वां देखते हैं, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो 29 का है ए गोविंद वल्लभ पंत को, ए ऑप्शन सही है। 30 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसमें 30 में है सी ऑप्शन सही है, मतलब डॉक्टर एम ए अंसारी हैं जो ये मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं जो ये नासिक में, सरोजिनी नायडू हैं जो कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। ठीक है, अगली 31वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब 32 देख लेते हैं, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है नर्मदा, ये मध्य प्रदेश में बहती है। अगले देख लेते हैं, 33वां, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है, तो 33 का सी ऑप्शन सही है कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश में है झील। ठीक, लोनार है ये महाराष्ट्र में है, नक्की है ये राजस्थान में है, और जो पोलिकट झील है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिए लोनार है जो महाराष्ट्र में, नक्की है राजस्थान में, कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, पोलिकट है तमिलनाडु में। 34वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें सरसों नहीं है, ये सरसों रबी की फसल है। ठीक है, कपास मूंगफली मक्का ये खरीफ की फसल है। अगली बात करते हैं, 35वां, भारत के निम्न राज्यों में किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो इसमें आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। 36वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, 36 का है बी प्रतापगढ़, बी ऑप्शन सही है 36 का। अगली 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था, 37 का डी सही है, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्या आंदोलन। ठीक, अगला देखते हैं, 38, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, 38 का है सी चेन्नई। 39 का, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन है इसमें नागार्जुन सागर, ये गोदावरी नदी में नहीं है, नदी पर नहीं है बना, ये बना है कृष्णा नदी पर। ठीक, इसके सही देख लेते हैं, नांगल बांध है सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर। चलिए अगला देखते हैं, 40, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है, सागवान बोलते हैं इसे, 40 का है ए मध्य प्रदेश। अगली बात करते हैं, 41 क्वेश्चन हुए,
अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? 41 का है ए यमुना, 41 का ए ऑप्शन सही है। सॉरी सॉरी दोस्तों, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसमें दामोदर नदी है। अगली बात करते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगली बात करते हैं 42, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? 42 का है ए आंध्र प्रदेश के तट से। अगला 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? 43 है सी खंबात की खाड़ी। अगला 44 बार देखते हैं, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, खनन क्षेत्र खनिज क्षेत्र खनिज, ठीक है। इसमें 44 में ए ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं इसके, गुरु महिसानी लोहे ऐसे पाए जाते हैं, तलचर यहाँ, कोयला, जादू घोड़ा यहाँ, यूरेनियम और जावर है जो सीसा यहाँ उत्पादन होता है, खनिज मिलते हैं, ठीक। तो इसमें ए ऑप्शन सही है 44 का। 45 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो 45 में सी ऑप्शन अंडमान निकोबार, सी ऑप्शन सही है 45 का। अगले 46 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? 46 का ए ऑप्शन अनाई मुड़ी। 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? 47 का है बी ऑप्शन, इसमें जो फुलानी है ये पश्चिम अफ्रीका में समुदाय है जनजातियों के, ठीक है। बंतु है जी, ये सहारा में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। मसाई जनजाति है जो पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है, न्यूबा है जो सूडान में पाई जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। बंतु सहारा में नहीं पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो 48 का ए ऑप्शन सही है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ए ऑप्शन सही है। अगला 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? 49 का है डी मृत सागर। मृत सागर इसमें ऑप्शन है, ठीक है। 50 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? 50 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगली बात करते हैं 51 क्वेश्चन की, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या उनका है डी ऑप्शन रिफ्ट घाटी, ठीक। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इन क्या क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो है रिफ्ट घाटी का डी ऑप्शन सही। बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बाउंडी है। उड़ीसा।
त्रेपन निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित रेल तेल भंडार स्थित है? आपको बता दें 20, इसमें अभी 2011-12 का पेपर है, इसमें सऊदी अरब सही है, लेकिन अभी जो करंट में 2019 में वेनेजुएला में हो रहा है, ठीक है, याद रखना 2019 में जो करंट में वेनेजुएला में तेल भंडार सबसे। 54 देखते हैं, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो 54 का है गेमिया की, ठीक। अगली देखते हैं 55, निम्न क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन है? तो 55 का है सी ऑप्शन सही, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब ऑल ऑफ देखते हैं, मतलब पहले क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा घटते क्रम में रूस, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना, ठीक। एक बार और देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में पहले रूस है सबसे ज़्यादा, फिर कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरे पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत, आठवें नंबर पर अर्जेंटीना। और जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्ला। एक बार और देख लीजिए, जनसंख्या के आधार पर चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाक, बंगला। भारत की भी देख लेते हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल की दृष्टि पर राज्य भारत में पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, पांचवें पे जम्मू कश्मीर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर एमपी में, ठीक। अब 56 देख लेते हैं, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल रहता है? तो 56 का है डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। अगला देखते हैं 57 क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो 57 है ए, राष्ट्रपति द्वारा, ए ऑप्शन सही है इसमें। 58 देखते हैं, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो इसमें 58 में ए सही है, लोकसभा में। अगला 59 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो 59 का है ए, बीबी गिरी। अगली बात करते हैं 60, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो 60 का है डी, सवाना। पंपा जो बेल्ट डाउन से शीतोष्ण घाट घास के मैदान है, सवाना है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। 61 देख लेते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो 61 का है ए ऑप्शन सही है, लोकसभा। अगला 62 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसमें 62 में डी ऑप्शन सही, भारत के राष्ट्रपति। 63 देखते हैं, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? 63 में सही है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो, ठीक है, 63 का भी सही है। 64 देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो इसमें 64 में डी ऑप्शन सही है, लोकसभा के प्रति। अगला 65 देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्यपाल की
संतुति के राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक रहती है। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो 66 में ये सही है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक, ये दोनों करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है 66 का। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? 67 का है, सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक बार और देख लीजिए 67 का, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद। अगली 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जा गया है? 68 का बी, संविधान द्वारा, ठीक है। 69 देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या थी, क्या है? तो 69 का सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले भी पहले, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन 70 का सी ऑप्शन सही है। 71 देखते हैं, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो 71 का है ये ऑप्शन, राष्ट्रपति को, 71 का ये सही है, ठीक है। 72, निम्नलिखित में से कौन संविधानिक प्राधिकरण है? तो 72 का इसमें बी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये तीनों हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, बी ऑप्शन सही है इसमें, 72 का भी सही है, ठीक। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसमें 73 में बी ऑप्शन, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 73 का भी सही है। अगला 74 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 74 का, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था? तो सी ऑप्शन सही है, राजस्थान, 75 का सी सही है, राजस्थान। अगला 76 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन सही है, बी नहीं, ए सही है, कुल 1/3 स्थानों का 1/3, ठीक, 76 का ए सही है। 77 देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? जो 77 है इसका सी ऑप्शन सही है, 2008 में, 77 का सी सही है, ठीक। 78 की बात करते हैं, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलित किया? 37.2, बी सही है, 78 का बी ऑप्शन सही है। 79, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, बी ऑप्शन सही है, 79 का डी सही है। 80, भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो 80 का है, छत्तीसगढ़, 80 का ये सही है, ठीक है। 81 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन सही है। 81 का डी सही है। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? बयासी का सी ऑप्शन से सड़कें। 83 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो ये है 83 का सी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। 84 देख लेते हैं, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? इसमें 84 में सी ऑप्शन सही है, ग्रामीण बैंकिंग से। 84 का सी सही है। 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सी ऑप्शन सही है, सेवा क्षेत्र से। 85 का सी सही है। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो बी ऑप्शन सही है, थोक मूल्य सूचकांक। 87 देखते हैं, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बार भारत में रहता है? तो बी ऑप्शन सही है, 87 का बी सही है, 17.5। 88 देखते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो 88 का जो है ये है, प्राकृतिक संसाधन। 89 देखते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध था? वन कटाई से संबंधित, ठीक है। 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, गौरा देवी, ठीक। 90 देखते हैं, ईको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो? सी ऑप्शन सही है, 90 का। 91 का, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 91 का है बी ऑप्शन, देहरादून। 92 देखते हैं, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ए ऑप्शन सही है, 92 का। 93 बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? भारत ने। 93 बाद का सी सही है ऑप्शन, ठीक है। 94 देखते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्थान स्रोत कौन सा है? 94 का है सी ऑप्शन, जल विद्युत। 95 देख लेते हैं, 94 का सी ऑप्शन सही। 95, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.8 डिग्री सेल्सियस। 95 का सी ऑप्शन सही है। 96, सूची एक सूची दो को सम्मिलित कीजिए, इसमें वायु प्रदूषक हैं, प्रवादित अंग हैं। 96 का है बी ऑप्शन, एस्बेस्टोस धूल, इससे प्रभावित होता है फेफड़ा, सीसा से होता है मस्तिष्क, पारा से होता है उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं होती हैं, ठीक। 96 का 20 ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, 57वां, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र के मौसम परिवर्तन समझौते कब प्रभावी होगा? तो 57 का है ए ऑप्शन सही है, 21 मार्च 1994 को। अगला 98वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड हरित गैस है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है 98 का।
99 देखते हैं, नैहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया गया था, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है? तो 99 का है बी ऑप्शन, बाकिम चंद चट्टोपाध्याय। 100वां देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो 100 का है डी, उपयुक्त सभी। 100वां पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने हेतु तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ठीक डी ऑप्शन सही है 100 का। 101वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़ों इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो 101 का है डी ऑप्शन भारत में। अल्जीरिया, ब्राजील, कैनेडा में किया गया। 102वां है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है 5 जून को। आपको बता दें 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था, ठीक। 103वां है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन इसमें है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र है बेंगलोर में, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून में, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है अल्मोड़ा में। आपको बता दें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, 1984 में स्थापित किया गया था, ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से किया गया था, ठीक। 104 है सूची, एक सूची को दो को सम्मिलित करना है। 104 का है बी ऑप्शन सही है, ठीक। नीलगिरी है जो 1986 में स्थापित हुआ था जैव मंडल, नंदा देवी है जो 1988, सुंदरबन है 1989 और कंचनजंगा है जो 2000 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है 104 का। 105 देखते हैं, दो भिन्न संविधाओं के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? 105 का है डी ऑप्शन, इको टाउन। 106 का है, 106 है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थान माने जाते हैं? तो 106 का है बी ऑप्शन सही है, 1 और 3 मतलब पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। अगला 107 देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? आर्सेनिक, सी ऑप्शन सही है 107 का। अगला 108 है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं? 108 का है वायु प्रदूषण के, 108 का ए ऑप्शन सही है। 109, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो 109 का ऑप्शन सही है बी, जैव भू रासायनिक चक्र। 110, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 110 का है ए, नागपुर में। 111, निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्तिकरण कारक हैं? 111 का है डी ऑप्शन से, क्लोरोफ्लोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी ऑप्शन सही है 111। 112, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन सही है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, 112 के ए ऑप्शन सही है। 113, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? 113 का है डी ऑप्शन, पारिस्थिति पदछाप कहते हैं। अगला 114 देखते हैं, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार? 114 का सी ऑप्शन सही है। 115 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक से प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, 115 का सी ऑप्शन सही है।
अगला 116 देख लेते हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? नांग, सी ऑप्शन सही है, नांग है पित्ती टैंक क्षेपरास्त्र। आपको बता दें त्रिशूल सही देख लेते हैं, इसके आंसर त्रिशूल है, ये जमीन से हवा में मार करती है, पृथ्वी है जो जमीन से जमीन पर, और नांग है जो पित्ती टैंक क्षेपरास्त्र है, फिनाक है ये बहुत ठंडी है रॉकेट लॉन्चर है। 117 देख लेते हैं, मिक मरीचिका का कारण है डी ऑप्शन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 117 का डी ऑप्शन सही है। 118, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से, बी ऑप्शन सही है 118 का। ठीक है, 119 देख लें, पराशब्द वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 119 का ये ऑप्शन सही है। अगला 20 देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो 120 में ये ऑप्शन सही है, गैंडा के लिए, गैंडा के लिए, ये असम में है। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला 121, सिम कार्ड का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, 121 का ये ऑप्शन सही है। 122, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? 122 का है ए ऑप्शन सही है, लेट्स लेट्स के। 123, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, 123 में ए ऑप्शन सही है, सीपीयू। 124, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कारण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण, बी ऑप्शन सही है। 25, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। ठीक, अगला 126, बी ऑप्शन सही है इसमें, 125 में। ठीक, नहीं डी ऑप्शन सही है, सॉरी उद्दीप्त विकिरण। 126 देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, 126 का सी ऑप्शन सही है। अगला 127 देख लें, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? 127 का है बी ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। 28 देख लेते हैं, 128, डीएनए के दुई हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये 128 के ए ऑप्शन, वॉटसन ए क्रिप ने। अगला 129वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? रेंडर पेस्ट के लिए, बी ऑप्शन सही है 129 का। ठीक है, 130, पर्ण हरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, सी ऑप्शन सही है। अगला 131, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? प्रोटीन का, इसमें देख लीजिए दोस्तों, विटामिन का भी किया था इसने। ठीक, 1911 में, 1911 एक में से। ठीक है, सही ऑप्शन देख लीजिए, इसमें डाउट है। ठीक है, 32वां देखते हैं, जब बर्फ पिघलती है पिघलती तब आयतन घटता है। ठीक, 133, बी ऑप्शन सही है 132 में। 133 का देखिए, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 133 का डी, कैसीन।
134 देखते हैं। निम्नलिखित सूची मतलब एक दो सूची को सम्मिलित करना है, इसमें डी ऑप्शन सही है। प्लेग है जो जीवाणु द्वारा होता है, एड्स है जो विषाणु द्वारा, गंजापन है जो कवक द्वारा, मलेरिया है जो प्रोटोजुआ द्वारा। 134 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 135। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला 36 देख लेते हैं। ठीक है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी विजय केलकर। आपको बता दें वित्त आयोग का गठन 281 अनुच्छेद 281 में दिया गया के तहत होता है, 280 में सॉरी। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 में। और आपको बता दें पहले थे इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नेओगी, और 14वें थे बाईवी रेड्डी जो 2015 से 20 तक चला, और 15वें एन के सिंह हैं जो 2020 से 2025 के लिए होंगे। ठीक है, 137 का देख लीजिए। 2011 में लोक आयोग विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य भारतीय राज्य। 137 का सी उत्तराखंड। भारत ने अभी हाल में सार्क देशों में किसके साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया है? तो 138 का है डी बांग्लादेश। या सार्क के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। इसमें 8 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। इसके मेंबर देख लेते हैं, सदस्य अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, 8 हैं और बिम्स्टेक में 7 हैं। ठीक है, 139 देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में कौन फरवरी मार्च 2012 में दिल्ली में थे? तो 139 का है बी ऑप्शन सही है, चीन के विदेश मंत्री, इटली के विदेश मंत्री। 140 देख लेते हैं। कमला प्रसाद बेसेसर प्रधानमंत्री थी, तो 140 का है डी ऑप्शन, त्रिनिदाद टोबैगो की। डी ऑप्शन 140 का सही है। 141, 13 फरवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का नाम है? तो 141 का है बी ऑप्शन, कोस्टा कॉन कोडिया। बी ऑप्शन सही है। 142, इफ्सा भारतीय ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के संगठन का पंचम शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहां संपन्न हुआ? तो 142 का है बी ऑप्शन, प्रिटोरिया। इसकी स्थापना हुई थी जून 2003 में। ठीक है, इफ्सा की। 143, 20 दिसंबर 2011 को मारियानो राजो ने निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है? तो 143 का है स्पेन, सी ऑप्शन से। इसकी राजधानी है मद्रिद और इसके अभी करंट में 2019 में प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। 144 देख लेते हैं। किस देश ने दिसंबर 2011 में घोषित किया कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेसेल्स में स्थापित करेगा? तो 144 का है ए ऑप्शन, चीन। 145 देख लेते हैं। 17वां दक्षिण सम्मेलन 2011 कहाँ संपन्न हुआ था? 145 का डी आदु सिटी में। 146 है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार दिया गया था 2011 का। 146 है का सही है दलाई लामा, सी ऑप्शन सही। 2014 का फीका विश्व कप किस देश में होगा? तो ये ऑप्शन ब्राजील में। आपको बता दें 2018 का होगा रूस में, रूस में हुआ है अभी। 2022 का
22 का होगा कतर में, ठीक है। 148 वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त है? 148 का है, बी ऑप्शन सही, गगन नारंग। आपको बता दें 2018 को मिला था मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन से संबंधित है, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित, दो लोगों को मिला था, ठीक। अब अगला देखते हैं 149। भारत निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि था? तो 149 का है ए ऑप्शन, इंगलक सेनावात्रा। आपको बता दें अभी जो करंट में 2019 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें श्रील रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, मुख्य अतिथि। 150 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSC पुरस्कार प्रदान किया गया था सेहन करुणा तिलक को, डी ऑप्शन सही है 150 का। चलिए दोस्तों, तो इस लेक्चर में हमने देखा है UPPCS प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट 2012 का, ठीक है। अगले लेक्चर में 13 का देखेंगे। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी 2018 तक पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है।